Hey guys, this is your विज्ञान गुरु विकास सिंह। आज हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर ऑप्टिकल डिवाइस की जिसका नाम होता है प्रिज्म, और मैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखने जा रहा हूँ कि प्रिज्म से जब लाइट गुजरती है तो कितना एंगल ऑफ इमर्जेंस शो करती है, बाहर निकलने के बाद कितना एंगल बनाती है, और साथ ही साथ एंगल ऑफ डेविएशन इस प्रिज्म में कितना देखने को मिलने वाला है। 10th क्लास में बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन होता है ये एग्जामिनर्स का, तो एंगल ऑफ डेविएशन को हम आज फाइंड करके देखते हैं। बने रहिए मेरे साथ में इस वीडियो के आखिरी तक। और यहाँ मेरे पास में फिर से एक शीट होगी, एक मेरे पास में सनबोर्ड होगा, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया एक प्रिज्म, ये रही पेंसिल, एक मेरे पास में ये शार्पनर और रबर हो गया, इसके अलावा ये हो गया हमारा प्रोटेक्टर, इसके अलावा हम बात करते हैं ये मेरे पास में आ गई एक स्केल, और ये मेरे पास में कुछ पेंस हैं। हम यहाँ पेपर के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसको हम एक रेफरेंस लाइन लेकर के चलेंगे, ठीक है। रेफरेंस लाइन के नीचे प्रिज्म को हम प्लेस कर देते हैं, और इन दिस वे मैं इसकी एक आउटलाइन क्रिएट कर लेता हूँ। ये रही आउटलाइंस, ये रही आउटलाइंस, ओके। चलिए अब पेंसिल और हमारी स्केल की मदद से हम इसको बिल्कुल परफेक्ट ट्राइंगल बना देते हैं। कर दिया, ठीक है, हो गया ये कन्वर्ट रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर। पहले तो इसका सेंटर पॉइंट ले लो, ये मैंने एक सेंटर पॉइंट कंसिडर कर लिया है, और इस पॉइंट पर अपने प्रोटेक्टर को रख कर, अपने डी को रख कर हम यहाँ से मेज़र करेंगे एक एंगल। मान लेते हैं कि हम 30 डिग्री एंगल की बात कर रहे हैं, तो 10, 20, 30, ये हो गया 30 डिग्री का एंगल, जो कि मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। यानी अब मैं स्केल की मदद से ये लाइन को कनेक्ट कर देता हूँ, ये मैंने लाइन को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरी इंसिडेंट रे हो गई है, ये मेरी प्रिज्म के पास आने वाली इंसिडेंट रे है। तो एक पिन को मैं यहाँ लगा देता हूँ, और उसी की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मैं एक और पिन को ये लगा देता हूँ, ठीक है। ये दोनों एक ही लाइन में मेरे को दिखाई दे रही है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रिज्म को ला करके वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर रखेंगे। ये मैंने प्रिज्म को ला करके ओरिजिनल पोजीशन पर रख दिया है। अब मेरे को क्या करना है, ये जो इसकी एज है ना, यहाँ से देखना है, तो मेरे को ये दोनों जो पिन्स हैं वो मेरे को इस एज से यहाँ कहीं दिखाई दे रही होंगी। कैमरे का एंगल हम रोटेट करते हैं और फिर समझते हैं कि क्या यहाँ पर करना होगा। अब हम पर इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे कि मैं अपने कैमरे के एंगल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, तो इस पर्टिकुलर फेस से, ये जो पर्टिकुलर फेस है उसमें मेरे को ये जो पिन्स हैं पीछे वाली, ये मेरे को दिखाई दे रही है। मैं दिखा देता हूँ कि दोनों पिन हैं जो एक दूसरे के पीछे अलाइंड है। ये आप देख पा रहे हैं कि दोनों की दोनों जो पिन्स हैं वो एक दूसरे के पीछे अलाइंड है। बस इनको एक सीधी सी लाइन में कंसीडर करते हुए, एक सीधी सी लाइन में देखते हुए मेरे को अदर टू पिन्स यहाँ कनेक्ट करनी होंगी। तो मैं यहाँ पर अदर दो पिन और ले लेता हूँ। एक पिन मैं ये ले लेता हूँ रेड कलर वाली, और इसको लेकर के मैं यहाँ इसकी सीध में कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने लगा दिया। अब ये तीनों मेरे को एक सीधी लाइन में दिखाई देने वाली है, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं एक और को, इसी की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मैं कनेक्ट करता हूँ, तो मेरे को ये चारों की चारों एक सीधी लाइन में दिखाई दे रही है, ठीक है। मेरी आंख के ओरिएंटेशन से आप देखेंगे ये अब मेरे को सारी की सारी एक सीधी लाइन में दिखाई देने लग जाएगी। चलिए तो अब लौट करके हम इसके पास आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, प्रिज्म को हटाते हैं, और ये जो दोनों की दोनों मेरे पास में पिन थी, इन दोनों पिन के ऊपर लगा लेते हैं हम सर्कल। इस पिन के ऊपर भी हम लगा लेते हैं सर्कल, और इन दोनों सर्कल्स को हम आपस में कर देते हैं कनेक्ट, ठीक है, और एक्सटेंड कर देंगे टिल द ये जो हमारा प्रिज्म है वहाँ तक। तो ये मैं इसको कनेक्ट करते हुए पीछे ले जाता हूँ, और ये मैं प्रिज्म तक इसको कनेक्ट कर देता हूँ। और सिमिलरली हम यहाँ पर येलो वाली जो हमारी पिन्स हैं उनके ऊपर भी सेम ये सर्कल्स बना लेते हैं। तो ये जो लाइट है पी क्यू, ये इंसिडेंट है, ये लाइट होगी हमारी इंसिडेंट रे। ये जो बाहर निकल के जा रही है इसको हम बोलेंगे इमरजेंट रे, और इसका नाम लिख देते हैं हम आर एस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, पॉइंट ऑफ इमरजेंस हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को अगर मैं मिला देता हूँ, तो ये दोनों पॉइंट मिलकर के मेरे को देंगे क्या, रिफ्रैक्टेड रे जो प्रिज्म के अंदर जा रही है, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी रिफ्रैक्टेड रे। अब इस पॉइंट को हम नाम कुछ और दे देते हैं, दिस इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये मेरे पास में एक नॉर्मल हो गया, ये रहा, और ये एंगल हमने शुरुआत में लिया था कितना, 30 डिग्री का, ओके। चलिए एंड जो पॉइंट बी है इसके ऊपर भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल की एक्चुअल में नीड मेरे को क्यों होती है, ताकि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस बड़े इजीली कैलकुलेट कर पाऊँ। तो ये हो गया एंगल 30 डिग्री का। अभी इमर्जेंट रे है और ये रहा नॉर्मल, तो इमर्जेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब कैसे कैलकुलेट करूँगा, तो एंगल हमेशा हम नॉर्मल से ही मेजर करते हैं, तो मैं इसके बेस को नॉर्मल के बेस के साथ, मतलब नॉर्मल के साथ मर्ज कर देता हूँ, और फिर एंगल को यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तब ये एंगल आप देखेंगे यहाँ से ये जा रहा है 75 और 77, तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो एंगल है वो बना लगभग 77, ठीक है, हो गया 77। अदर देन दिस अब हम बात करते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालें। तो ये जो लाइट आ रही है
इंसिडेंट रे और ये जो लाइट जा रही है यानी कि इमरजेंट रे, इन दोनों के बीच में कितना एंगल डेविएट हो गया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा ये जो हमारी इंसिडेंट रे थी इसको आगे एक्सटेंड कर देना है। तो इसको मैं आगे तक एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये मैंने एक्सटेंड कर लिया आगे तक, ठीक है, ये हमने एक्सटेंड कर लिया इसको आगे तक। और जो हमारे पास इमरजेंट रे थी इसको हम पीछे एक्सटेंड कर देते हैं, इसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ, ये ठीक है। तो अब इमरजेंट रे और जो हमारे पास में ये इंसिडेंट रे थी इनके बीच के एंगल को मैं मेजर कर लेता हूँ। अब ये एंगल मेजर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल इस पर्टिकुलर एंगल को मेजर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, किसी को भी मैं बेस मान लेता हूँ। ये एंगल था लगभग आपका 49 के आसपास, तो ये हो गया आपका 49 डिग्री, ठीक है, इतनी बात ओके। तो मेरे को यहाँ पर देखने को मिल गए हैं कुछ एंगल्स, और वो एंगल कौन कौन से हैं, एक मैंने एंगल ऑफ इमरजेंस निकाल लिया है और एक एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लिया है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इमरजेंस जो आपने देखा वो कितना है 77 डिग्री, और एंगल ऑफ डेविएशन वो कितना है यहाँ पर 49 डिग्री। और आप इस चीज़ को याद रखो, हमेशा जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है ना, वो लगभग 40 से 50 की रेंज में आपको देखने को मिलेगा।